अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट प्यारा होस्ट राना जवाद दबास फिर से एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ हाजिर है। अमार भाई ने मुझे आज बोला था आपने ब्लैक ड्रेस पहन के आना ड्रेस, तो मैं ब्लैक ड्रेस पहन के आ गया। अमार भाई कैसा लग रहा? बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, नज़र लग जाएगी आज आपको। काले सूट में नज़र नहीं लगती, सुना? लग जाती है। ओके, नज़र तो बंदा प्यारा हो ना, पर काले सूट में भी लग जाती है। लग जाती है, इनका फेवरेट था ब्लैक, तो आज मैंने ब्लैक पहन के आया हूँ। कमेंट में आपने बताना, मैं तो अमार भाई ने कह दिया प्यारा लग रहा हूँ। वाकई आज आपका प्यारा होस्ट प्यारा लग रहा है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, ठीक है। आज बेसिकली वर्क स्टेशन को कवर करेंगे हम। डेल का वर्क स्टेशन हमारे पास होगा, लिनोवो के होंगे। लिनोवो, एचपी, डेल है। ठीक है, एचपी भी है, तीन डिफरेंट वेंडर्स हमारे सामने मौजूद हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि जी वर्क स्टेशन पे आप क्यों नहीं बनाते, वर्क स्टेशन क्या होता है जी? वर्क स्टेशन हैवी मशीन होती है जवाब भाई, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी काम करना है, एडिटिंग करनी है, ठीक है, उसके अलावा आपने मतलब वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, ये सारी चीज़ों के लिए वर्क स्टेशन मशीन होती है। ठीक है, नॉर्मल लैपटॉप से उसके अंदर स्लॉट ज़्यादा होती है, रैम की, प्रोसेसर अच्छा लगा होता है उसका, जो स्ट्रक्चर होता है मतलब बॉडी जो होती है उसकी, वो आम लैपटॉप से ज़्यादा टफ होती है। टफ होती है, ठीक है। हीटिंग, जो हीट एरिया होता है उसका, वेंट एरिया, वो बड़ा होता है। वेट भी फैन बड़े, जाहिर सी बात है अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वेट तो ज़्यादा होगा उसका, तभी इसका नाम वर्क स्टेशन रखा गया है। लाइक आप एक CPU वाला काम करता है, जो हैवी मशीन्स होती है ना, वो नॉर्मल लैपटॉप के अंदर इतनी पावर नहीं होती है, ये जरा एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें लगी होती है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा एफिशिएंट होती है। आज के जो वीडियो है ना, राउंड अबाउट इनकी जो प्राइसेस हैं 1 लाख से स्टार्ट होंगी और 150K तक जाएंगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अमार भाई पूरा बताएंगे सारा कि इनके अंदर कौन कौन से ग्राफिक कार्ड हैं, कितना आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं और कितना आप अपना काम इजीली इन मशीनों के ऊपर चला सकते हैं। सबसे पहले इन मशीनों में लो बजट मशीन दिखाएं मुझे। सबसे पहले लो बजट ये वाली है, कोर i7 है, फोर्थ जनरेशन है, HP ZBook 17G2, ठीक है, ठीक है, इसका मॉडल है। और एक कोर i7 है, फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, ये 4800 या 4810 इसमें प्रोसेसर्स आते हैं दोनों, 2.7 2.8 की गर्ट्स के, ठीक है, वो लगा हुआ है इसके अंदर। और उसकी कैशे जो है वो 6MB होती है, ठीक है, 4 कोर्स हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर है इसके, ठीक है जी। और इसके अंदर रैम की 4 स्लॉट्स हैं, आप इसको मतलब 32GB तक सपोर्टेड है ये रैम, 8/8 के 4 मॉड्यूल इसमें लगा सकते हैं, 4 मॉड्यूल लगा सकते। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो NVIDIA क्वाड्रो K3100 लगा हुआ है, DDR5, 4GB, ठीक है, और 256 बिट है इसका, बिट रेट होता है ना वो बता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 256 बिट है और DDR5 है, कोर i7 फोर्थ जनरेशन है और 8GB रैम है इसमें फिलवक्त, और 256GB SSD है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर स्लॉट्स जो है ना वो आपकी तकरीबन 2 एट अ टाइम आप लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव, एक SSD, साथ इसके अंदर M2 की ऑप्शन भी है, और चौथी ऑप्शन होती है इसकी CD-ROM वाली, ठीक है, अगर आप CD-ROM को निकाल के वहाँ पे भी SSD यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैटरी टाइमिंग और रेजोल्यूशन बताएं। रेजोल्यूशन इसकी 1080 है, फुल HD IPS है और मैट स्क्रीन होती है, ठीक है जी। बैटरी जो है वो तकरीबन इन मशीनों की 1.5 घंटा होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, वर्क स्टेशन मशीन है, सारा कुछ एक बैटरी पर चलना होगा। भाई कौन से यूज़र, कौन से सॉफ्टवेयर इस पर चलेंगे? इस पे जवाब भाई, आप ग्राफिक के वाले से जितने भी सॉफ्टवेयर Adobe का सारा सूट चलेगा, Adobe प्रीमियर प्रो चलाएं, Adobe फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, मैटलैब, मैट्रिक्स, ठीक है, 3D के भी सॉफ्टवेयर चलेंगे, लुमियन, ठीक है, और ये सारे 3D से रिलेटेड है जी, ठीक है, वो एक स्केचअप सॉफ्टवेयर होता है वो भी चलेगा, जितने भी आपके सारे सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक, माया मैक्स, हर किस्म के सॉफ्टवेयर, माया मैक्स का तो कोई मसला ही नहीं है ना, जो हैवी सॉफ्टवेयर हैं वो मैटलैब होता है, लुमन होता है, सॉरी ल्यूमियन होता है, उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे Adobe प्रीमियर प्रो होता है, ठीक है, इस तरह जो रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो ज्यादा हैवी होते हैं। कितने की ये मशीन है जी? सर ये 8GB रैम और 256 के साथ इसकी फाइनल प्राइस है 80,000 में, पहले 85 की थी लेकिन इसकी प्राइसेस कुछ कम हुई है, तो हमने 5,000 रुपये प्राइस इसकी और मतलब कम कर दी है, कम हो गई, ठीक है। ये गाइस 80,000 में 4GB के 3100, ठीक है, NVIDIA का कार्ड है, 4GB का और 8GB रैम है, 256 SSD है, कोर i5 फोर्थ जनरेशन है, ये कोर i7 फोर्थ जनरेशन है, बड़ा ही अच्छे बजट में एक बड़ा ही अच्छा लैपटॉप है। और इसकी स्क्रीन साइज भी बता दूं 17 इंची है, 17 इंच नमपैड के साथ, ऑब्वियसली जी नमपैड के साथ, 80,000 में यहाँ से आप हासिल करते हैं। नेक्स्ट मॉडल पे साथ ही चलते हैं, HP से डेल पे हम चलते हैं, या इससे जो थोड़ा सा महंगा वो बताएं कौन सा? इससे महंगा जो है ये है कोर i7 6th जनरेशन, ये डेल का मॉडल है, Persian 7520, ठीक है, ये है कोर i7 7th जनरेशन, इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है 7700HQ, ठीक है, 8GB रैम है इसमें, DDR4, 256GB SSD है और उसमें 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है,
ठीक है, AMD Radeon। इसका फायदा ये है जवाब कि इसके वेंट्स दो हैं, ठीक है, आप बैक साइड से अगर दिखाएं ना तो एक GPU का वेंट है और एक आपका CPU का वेंट है, मतलब ग्राफिक कार्ड का जो है एग्जॉस्ट फैन वो लादा है, जो उसका CPU है उसका एग्जॉस्ट फैन लादा है, ठीक है। ये बैक उसमें फायदा ये होता है कि मशीन हीटअप नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। और आप देखें सारी टोटल मेटल बॉडी है, टाइप सी की ऑप्शन इसमें है, और परसीन सीरीज आपको पता है स्पेसिफिकली वर्कस्टेशन में आती हैं, बैक से मैट फिनिश है, मैट फिनिश है इसका, डॉटेड जो है ना बैक साइड होती है मैट फिनिश, ठीक है। और इसमें रैम जो है वो 4 स्लॉट्स होती है, रैम की M2 भी लगा सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं आप, और इसकी फुल HD IPS स्क्रीन है, 15.6 है इसका स्क्रीन साइज, इसका भी 15.6 है, आज के जो लैपटॉप बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है, ये बैकलाइट के साथ है, आज के जो लैपटॉप है सारे मोस्टली मेरे ख्याल से 15.6 को ही हम फोकस करेंगे मोस्टली। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो आपको पता है 7700 HQ है, और हाई क्वालिटी होता है जी। और इसके अलावा जो है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी है, 2GB रेजोल्यूशन भी 1080 है, ये बड़ी अच्छी मशीन है, ये जरा लेटेस्ट प्रोसेसर में है। कितने की मिलेगी ये आपको? मिलेगी 1,10,000 रुपये में, 1,10,000 रुपये में। अच्छा, इसका वेट ज्यादा था, इसका वेट थोड़ा कम है, इसका थोड़ा मुझे नहीं पता वो 2GB ग्राफिक कार्ड कम होने के लिए, मैं आपको बताता हूं वो 17 इंच है, अच्छा ये 15.6 है, ये 15.6 है, अच्छा वो 17 इंच थी, ये 15.6 है, ऑब्वियसली तो जाहिर है उसका स्क्रीन साइज भी बड़ा होगा तो वेट एरिया भी पहले HP और डेल का ऑप्शन दिया है, देन अगेंस्ट थर्ड यूजर जो है आपको बताऊं जवाब भी, ये तो बड़ी प्रोफेशनल मशीन है थिंकपैड जी, जी ठीक है। आपके जैसे गूगल के जो डाटा सेंटर है सबके अंदर ये लेनोवो चल रहा थिंकपैड, ठीक है ये प्योरली प्रोफेशनल मशीन होती है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं होती है? लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये वर्क स्टेशन मॉडल है लेनोवो थिंकपैड P50 इसका मॉडल है, ठीक है, ठीक है। कोर i7 है, 6th जनरेशन है, 6820 HQ प्रोसेसर है इसका जी, और 6 MB कैशे के साथ है। ग्राफिक कार्ड कौन सा इसके अंदर? ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है 4GB डेडिकेटेड को NVIDIA क्वाड्रो, ठीक है, M2000M, ठीक है, M2000M लगा हुआ है इसमें, मॉडल नंबर है, और 4GB इसकी मेमोरी है ग्राफिक कार्ड की NVIDIA का, ठीक है। अभी इस वक्त इसमें लगी हुई है 32GB RAM का, अभी इस वक्त इसमें 32GB RAM लगी हुई है, ठीक है, 32GB RAM है, 256GB इसमें SSD लगी हुई है, और कोर i7 है, 6th जनरेशन है, 4GB ग्राफिक कार्ड है, ठीक है बाकी ये फुल HD IPS है, 15.6 नंबर के साथ की स्क्रीन साइज है। गाइस हमने सारे लैपटॉप ऑन किए हुए हैं, अभी जब आपको दिखाया ना ये ऑन है, आप चेक भी कर रहे हैं, यहाँ से प्रॉपर्टीज वगैरह आप जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आपको थोड़ा सा गाइड, आपको पता ही होगा यूजर हैं आप इस चीज़ के, बाय द वे आप इसके ऑन इसलिए किए हैं कि आपको पता चले, ऑब्वियसली इनके जो बूट टाइम होता है ना SSD से उसका बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपको पता ही होगा कि SSD और हार्ड ड्राइव क्यों SSD लगवानी चाहिए बताएं। फास्ट होता है ना स्पीड, आपकी ओवरऑल री राइट स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक होगा। कितने का मिलेगा हमारा ये आपको मिलेगा 1,25,000 रुपये में 32GB RAM के साथ, 1,25,000 रुपये में आप यहाँ से कर सकते हैं 32GB एज इट इज, और 256 i7 6th जनरेशन 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, और हर तरह का सॉफ्टवेयर चलेगा, भागेगा दौड़ेगा, देखिए ना 4GB का डेडिकेटेड है तो रैम से शेड होकर तो 10-12GB तक चला जाएगा, ऐसे ही है रैम, अगर रैम हाँ 32GB है तो वो काफी ज्यादा एक्सटेंड कर देती है, तो बड़ा हाई भागेगा ना जैसे फरारी जैसे दौड़ती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे फरारी तो पकड़ी ही जाती है, वैसे वर्क स्टेशन मशीन जो होती है इनकी परफॉर्मेंस वैसे एफिशिएंट होती है। हाँ इनको थोड़ा सा उठाना मुश्किल होता है, बाकी सब कुछ करते हैं, इनको जरा वेट ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताया जी बेहतरीन मशीन है अभी जो हम कवर करने लगे, ये तो सर टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है जरा दिखा। अब प्रॉब्लम ये है मैं बताता चलूं कि लोग कहते हैं जी वर्क स्टेशन का वेट बहुत ज्यादा होता है, और ये बात हकीकत है कि होता है ठीक है, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि हमने वर्क स्टेशन में स्लिम लैपटॉप आपको दिखानी है, अच्छा जो वर्क स्टेशन भी है और स्लिम भी है, ये ऑप्शन आप लोगों को मिल गया है, दोनों आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए नोटू खर्चने पड़ते हैं, जारी बात है पैसे लगाने पड़ते हैं, सीधी बात है। तो उसके हाँ उसके अलावा जो है ना इसके अंदर ये फायदा आपको कि ये आप जरा दिखाएं हमारे ऑडियंस को ना जी, वाओ क्या डिस्प्ले है इधर से, इसकी जो है ना बेसिकली ये थिन कितनी है, ठीक है बिल्कुल, ये वर्क स्टेशन मशीन है परसियन सीरीज है, और इसका मॉडल है 5520 55205 20, ये लाइक ब्रांड न्यू कंडीशन है, और ये स्लिम है। मजे की बात ये कि वर्क स्टेशन में स्लिम मशीन है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो कोर i7 जनरेशन इसका प्रोसेसर है, ठीक है, 8 MB कैशे है स्केल 3, और 16 GB RAM है, ठीक है जी, और 512 GB इसमें SSD लगी हुई है,
ठीक है। 16 GB रैम है, 512 इसमें NVMe SSD है, 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इसमें M1200M, ठीक है, 4 GB डेडिकेटेड है M1200M इसका NVIDIA Quadro, टच भी है ये टच स्क्रीन है। वाओ, और मजे की बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन 4K है। 4K है, जैसे आंखों को फरहत बख्शती है ये वाली 4K स्क्रीन, बिल्कुल देखने से ही लगता है जैसे, मतलब जिसको कहते हैं ना फुल HD क्या ये 4K है। और इसका डिस्प्ले जो है वो H2H डिस्प्ले है इसका, ठीक है, मतलब बेजललेस स्क्रीन है इसकी, बेजल्स बिल्कुल इसके बारीक बारीक से हैं, ठीक है। और इसकी लुक बड़ी ही खूबसूरत है, बैक साइड से, फ्रंट साइड से, देखें जरा 4K की क्वालिटी देखें आप, रिजल्ट देखें, टच है 4K के साथ है, ओरिजिनल 4K, मतलब कुछ लोग होते हैं वो 1080 को 4K बोलते हैं, लेकिन ये 3840 by जो है ना 2160 इसकी रेजोल्यूशन होती है 4K की, ठीक है। जैसे आप हमें भी देख रहे हैं ना, आप 1080p में हमें देख रहे हैं, कैमरे की रेजोल्यूशन 1080p पे सेट हुई है इस वक्त, ठीक है, 4K में नहीं देख रहे, 4K में आपको पता है फिर वो वीडियो का साइज भी GB में पता नहीं कितना बन जाता है, ऐसे ही है। अगर हम 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो 25 GB तक जा सकता है, ये वो वाली क्वालिटी है 4K में इस वक्त ये लैपटॉप है। और कंडीशन देखें, व्हाट अ ऑसम लैपटॉप, This is right now Dell Inspiron series है, ये model है, ये Inspiron नहीं है, हाँ sorry, ये Precision series, oh sorry Precision series है यार, देखें मैं जोश में, जोश खताबत में नाम ही उल्टा गलत बोल दिया मैंने इसका, ठीक है। Dell Precision model name क्या था इसका? इसका है 5520, 5520 specs आपने बता दिए हैं, 16 GB RAM है, 512 GB SSD NVMe और Core i7 7th generation है, और graphic card 2 GB का है, graphic card 4GB का graphic card, और इसकी resolution जो है वो 4K बता दिया आपको, touch screen है, touch screen, अब जुर्माना बताएं, 1,50,000 रुपए में, 1,50,000 ये डिस्काउंट प्राइस आप, ये डिस्काउंटेड प्राइस है जो उसकी कंडीशन है, और ये बेसिकली जो नॉन टच होती है वो 1080 के साथ आती है जी, बट ये टच स्क्रीन है तो ये 4K। मैं भाई इसकी न्यू की प्राइस बताएं, न्यू आपको ये वाली जनरेशन तो नहीं खैर मिलेगी जी, न्यू तो आपको 8th generation या 9th generation मिलेगी, वो 3.5-4 lakh से स्टार्टिंग प्राइस, ये 11th generation है, नहीं ये 7th generation, मैं घूम गया हूँ थोड़ा सा, ये इसकी इस वजह से प्राइस कम है ना, जनरेशन थोड़ी सी कम है, 7th generation की प्राइस, लेकिन ये वर्क स्टेशन की 7th generation, ठीक है, वर्क स्टेशन की 7th generation थी, और 1,50,000 की आपको ये मिलेगी। इन सब में से ना मुझे जो पसंद आई है ना लैपटॉप, वो ये वाली लैपटॉप पसंद आई, अब दिखने में, अब काम करने में। अच्छा थोड़ा सा अब ये इशू होता है, कहते हैं जो स्लिम होती है ना वो हीटअप ज़्यादा होने लग जाती है, ये होता है इशू एज कम्पेयर टू जो ये वाला लैपटॉप है, इससे मुकाबला करें इस मशीन का, तो थोड़ी सी हीटअप वो होगी ज़्यादा, वो स्लिम को बताता हूँ जी। बेसिकली ना अब 4th generation तक जो है ना लैपटॉप, उनके अंदर जो प्रोसेसर है रिप्लेसेबल होता है, ठीक है, अब वो फैट मशीन होती हैं। अब ये देखिए सबसे मोटी मशीन है ये, उससे थोड़ी सी कम है, ऐसे है। ये फिर उससे और कम आ गई, ये बिल्कुल स्लिम हो गई, लेकिन वर्क स्टेशन में और लैपटॉप में ये तो फर्क है कि वर्क स्टेशन के अंदर उन्होंने पार्ट्स ऐसे यूज किए होते हैं कि वो हीटअप होकर प्रॉब्लम नहीं करती है, ठीक है। अब नॉर्मल लैपटॉप को लेंगे ना उसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा काम करते हैं हीटअप होकर उसका मतलब फारिग हो जाता है, लेकिन वर्क स्टेशन मशीन के अंदर उन्होंने ऐसी चीजें इस्तेमाल की होती है, इसका मतलब की बिल्ड क्वालिटी, फैंस की, हीट सिंक फैन की, सारी चीज़ों की वो बर्दाश्त कर जाते कर लेते हैं। अगर आप उसको 24 घंटे भी चलाते हैं ना तो मशीन हीटअप तो नॉर्मल होती है बट खराबी नहीं आएगी इसके अंदर, खराबी नहीं आएगी जी, होती है आप कह रहे हैं लेकिन इतना नहीं जितना वो कहते हैं, वर्क सेशन कवर कर लेते हैं। देखे ना एक छोटा पंखा है वो कम हवा देता है, एक बड़ा पंखा वो ज्यादा देता है, उसका वेट इस तरह इसका हिसाब होता है, इसमें फैन छोटा लगा होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट उसने जो करना है ना वो हाँ काम करेगा, तो इस वजह से हीट थोड़ी ज्यादा होती है। ये देखिए टेक्निकल बातें आपको हमारे बारे में बता दिया, हमारे भाई कहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग मौजूद हैं जी HS कंप्यूटर ट्रेडिंग 49 ए फर्स्ट फ्लोर हफी सेंटर, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर बताओ 03454567804। बताएं मैं ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या आप? हाँ माशाल्लाह, मेरी तारीफ नहीं करनी नहीं यार, तो हमने ना वो जो कपड़े थे ना आज कपड़े मैच किए थे थोड़े से इनके कहने पे मैं ब्लैक पहन के, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा हम ब्लैक ब्लैक इकट्ठे ही सेम पहन के आ जाएंगे माशाल्लाह। जवाब बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, यार ये मक्खन लगा रहे हैं, ऐसे ही मक्खन लगा रहे हैं, नहीं हैंडसम है माशाल्लाह। चले आप भी हैंडसम, आप भी प्यारे हैं, थैंक यू सो मच, क्यूट से, बहुत शुक्रिया अमार भाई। इस वक्त आपका दोस्त आपका होस्ट RJ फाइफ अमार भाई के साथ HS कंप्यूटर से हफीज सेंटर लाहौर से जा चाहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।